खबर यूपी के आगरा से है, जहां कॉलेज के बाहर शहीदों की फायरिंग से कॉलेज की छात्र और छात्राओं में दहशत का माहौल बन गया। मामला खैरागढ़ ब्लॉक क्षेत्र गांव अटा का है, जहां शहीदे अपना दबदबा बनाने के लिए 3 बार कॉलेज के बाहर फायरिंग कर चुके हैं। वहीं फायरिंग को लेकर इंटर कॉलेज के बच्चे कॉलेज आने से घबरा रहे हैं। वहीं कॉलेज में आने वाली छात्राओं के परिजन उन्हें पढ़ाई छोड़ने के लिए तक कह रहे हैं। आपको बता दें कि मामले को लेकर कॉलेज प्रधानाचार्य दिलीप सिंह ने थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई है। आगरा से संजय सिंह की रिपोर्ट। इसके बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं है कि कौन है और क्यों आता है, लेकिन 3 बार ये फायर हुआ है और ये मतलब घटना होती है तो हमें बहुत डर लगता है। घर वाले भी मना करते हैं, स्कूल मत जाओ। 3 दिन बच्चे नहीं आए थे, क्योंकि नहीं हम नहीं जाएंगे पढ़ने। मैंने क्यों, तो वहाँ तो गोली चलती है और हमें डर लगता है। मैंने कि नहीं आप जाओ, हम मार साहब उनसे कहेंगे। तो मार साहब दूसरे दिन आए थे, वो प्रिंसिपल साहब ही उनने बोली थी, क्योंकि बच्चे को खराब, फिर हमने बच्चे खना दिए यहाँ पर। छुट्टी के तुरंत बाद 12:50 के आसपास 3 लोग आते हैं बाइक से और 3 तारीख, 6 तारीख और 10 तारीख को फायरिंग करते हैं लगातार। फायरिंग के बाद जैसे ही बच्चों का शोरगुल होता है, हम लोग स्वयं अपने शरीर से मैं बक्के गया वहाँ।